ओके, सो फर्स्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया है, हमारे पास ये एक विंडो ओपन हुआ है। यहाँ टॉप पर अगर आप जाएं, P6 का लोगो है, उसके बाद प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल 20, प्राइमावेरा का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम, उसके बाद आपके पास ब्रैकेट में लिखा नो करंट प्रोजेक्ट, दैट मीन्स इस वक्त कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट ओपन होगा तो टाइटल बार पे उस प्रोजेक्ट का आईडी और प्रोजेक्ट का नेम आपको मिलेगा टाइटल बार। दैट मीन्स टाइटल बार से आप ये समझ सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट ओपन है या नहीं, या कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर सपोज 2 प्रोजेक्ट्स ओपन है तो वहां 2 प्रोजेक्ट आईडी और 2 प्रोजेक्ट नेम दिखाएगा, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट ओपन है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, फिलहाल ये पहला एक प्रोजेक्ट है जिसका आईडी EC00515 है और प्रोजेक्ट का नेम है सिटी सेंटर ऑफिस। मैंने राइट क्लिक किया और इस प्रोजेक्ट को ओपन किया। जैसे ही ये ओपन हुआ है, आप ऊपर देखें टाइटल बार पर प्रोजेक्ट का आईडी और प्रोजेक्ट का नेम आ गया। सिमिलरली अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है, वो क्लोज हो गया, दूसरा ओपन हो गया, बट आप बोलेंगे कि सर एक ही टाइम पर अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, सो लेट्स से मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया और मैंने ओपन किया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आईडीज आ रही हैं, दैट मींस 3 प्रोजेक्ट आपके एट दिस टाइम ओपन है। तो ये आइडिया, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, टाइटल बार से। क्लियर? अगर कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा तो वहां क्या आएगा, नो करंट प्रोजेक्ट। क्लियर टाइटल बार का वर्क? आगे टाइटल बार से जस्ट नीचे आते हैं, यहां है हमारा मेन्यू बार, फाइल, एडिट। अब फाइल में आते हैं, तो फाइल में आप देखेंगे न्यू के लिए, ओपन करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ क्लोज के लिए, बट सेव का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये डेटाबेस पर रन करेगा, इसके अंदर सेव का कोई कंसेप्ट नहीं है कि फाइल सेव करनी है। उसके अलावा मॉडिफिकेशंस के लिए कोई स्पेसिफिक व्यू, कोई स्पेसिफिक विंडो को आपको ओपन करना है या क्लोज करने हैं, एंटरप्राइज के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। मेन्यू बार के बाद नीचे जितने भी आई टूल बार्स आपको नज़र आएंगे, आइकन्स, वो सब हमारे टूल बार्स कहलाते हैं। यहाँ भी कुछ टूल बार्स हैं, हॉरिजॉन्टल टूल बार्स, यहाँ वर्टिकल टूल बार, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ये सब हमारे टूल बार्स हैं। बीच में हमारे पास एक विंडो है जहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट्स। बाई एनी चांस कभी हो सकता है ये विंडो आपसे बंद हो जाए, तो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको ब्लैंक नजर आएगा। तो आपको हमेशा विंडोज का नाम पता होना जरूरी है, आपको क्या देखना है, प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स की विंडो, प्रोजेक्ट्स कहाँ नजर आएंगे, प्रोजेक्ट विंडो पर। आपको देखना है एक्टिविटी, एक्टिविटी विंडो पर। आपको देखना है WBS, तो WBS विंडो पर। आपको देखना है रिसोर्स, तो रिसोर्स विंडो पर। यानी कि जो भी चीज़ आपको देखना है, आपको उसी का विंडो ओपन करना जरूरी है, तभी वो विजिबल होगा। नाउ हमें प्रोजेक्ट्स का विंडो ओपन करना है, उसके दो तरीके हैं। या तो आपको उसके आइकन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसका आइकन कैसा होता है, या आपको उसका नाम पता होना चाहिए, दो में से कोई एक ऑप्शन। आइकन होगा तो आप टूल बार्स को यूज कर पाएंगे, और अगर आइकन की पहचान नहीं है तो आपको मेन्यू बार को यूज करना होगा। जैसे प्रोजेक्ट्स विंडो अगर आपको चेक करना है, उसका आइकन होता है एक फोल्डर का आइकन जो कि क्लोज होता है, और उसका नाम है प्रोजेक्ट्स, विंडो का नाम। तो आप एंटरप्राइज में अगर जाएं, सबसे पहला ऑप्शन देखें प्रोजेक्ट्स, और यहां पर उसका आइकन देखो, फोल्डर का है, क्लोज फोल्डर। यही आइकन आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर, यहां मिल रहा है आपको, ये प्रोजेक्ट्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, मेरी वो विंडो वापस आ जाएगी। क्लियर? तो अगर ब्लैक कैसे कर दे उसको, जस्ट क्लोज इट। अच्छा, ओके, इनसाइड वाला, ओके। आपने कहा था कि विंडो, यस यू कैन। सो आप अगर ओपन करना चाहते हैं उसको, उसका नाम था प्रोजेक्ट्स, तो हमने एंटरप्राइज में प्रोजेक्ट्स विंडो पर क्लिक किया, वो विंडो वापस से ओपन। सिमिलर इसी तरह आप देखें मल्टीपल विंडोज़ होती हैं, रिसोर्सेज पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यार रिसोर्स की एक विंडो ओपन हुई है, तो इसी तरह मल्टीपल नीड होगी, बट अभी बहुत टाइम है रिसोर्स पर जाने में, इसलिए अभी उसको क्लोज रखते हैं। तो मेन चीज़ ये है, जो इन्फॉर्मेशन है
कि अगर बाई चांस आपको ये ब्लैंक नजर आए तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट विंडो कौन सी थी हमारे पास, प्रोजेक्ट्स। तो आप प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हैं यहाँ से या एंटरप्राइज में जाकर प्रोजेक्ट्स पर। क्लियर? प्रोजेक्ट्स विंडो पर होता क्या है, प्रोजेक्ट्स विंडो पर आपको आपका एंटरप्राइज और उसके डिविजन्स और स्पेसिफिक डिविजन के अंडर के प्रोजेक्ट्स, ये तीन चीजें नजर आएंगी। यानी कि आपका ईपीएस, सब ईपीएस एंड प्रोजेक्ट्स, ये तीन चीजें आपको प्रोजेक्ट्स विंडो पर दिखाई देती है। क्लियर? ईपीएस का सिंबल पिरामिड का सिंबल है, जहां फोल्डर है दैट इज आवर प्रोजेक्ट। ब्लू कलर टॉप लेवल ईपीएस यानी कि एंटरप्राइज का नाम, और ग्रीन कलर या येलो कलर ये हमारे ईपीएस है उसके डिविजन्स। ग्रीन कलर फर्स्ट लेवल है डिविजन का, और येलो कलर उसका सेकेंड डिविजन है। यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंडर दो प्रोडक्ट प्रोग्राम है, प्रोडक्ट प्रोग्राम वन एंड प्रोडक्ट प्रोग्राम टू, ये सब हम अभी क्रिएट करना सीखेंगे। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स विंडो आपको ईपीएस एंड प्रोजेक्ट्स को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, और नीचे एक विंडो नजर आ रही है अलग से, ये कहलाती है डिटेल विंडो। कौन सा डिटेल? जो विंडो ओपन है, प्रोजेक्ट्स ओपन है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट डिटेल विंडो। अगर आप रिसोर्स पेज पर है तो नीचे वाला विंडो कहलाएगा रिसोर्स डिटेल विंडो, एज सिंपल एज सच। ठीक है, अगर एक्टिविटीज पेज पर आए तो नीचे आ जाएगा एक्टिविटी डिटेल विंडो। अगर आप WBS के पेज पर हैं तो नीचे हो जाएगा WBS डिटेल विंडो। अगर आप OBS के पेज पर गए नीचे OBS डिटेल विंडो, लाइक दिस। तो नीचे डिटेल विंडो है, कौन सा डिटेल विंडो, जिस स्टेप पर भी आप जाएंगे स्विच करेंगे वही विंडो हो जाएगा। नाउ अभी कोई भी प्रोजेक्ट करंटली ओपन नहीं है, सबसे नीचे की साइड आप आ सकते हैं, यूज़र कौन है, कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, बेसलाइन अगर कोई असाइन किया उसकी इन्फॉर्मेशन, डेटा की डेट, ये डिटेल्स कुछ नीचे आपको नज़र आती है। ये इसका यूज़र इंटरफेस है बेसिकली सॉफ्टवेयर का। ओके, अब अगर आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है या कोई प्रोजेक्ट क्लोज करना है, उनके कुछ स्पेसिफिक शॉर्टकट्स हैं जो आपके काम आएंगे, वो आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है, आपको पता है शॉर्टकट, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल न्यू, नो दैट इज फॉर न्यू फाइल ना, इफ यू वांट टू ओपन एनी प्रोजेक्ट कंट्रोल ओ। एग्जैक्टली, all the softwares having the similar shortcuts. So, आप कंट्रोल ओ प्रेस करें, कंट्रोल ओ आप जैसे ही प्रेस करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ओपन प्रोजेक्ट। अब आपने प्रोजेक्ट ओपन करना है, कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करना है आप नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो एक हो सकता है, दो हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है, बट आपको सिलेक्शन जरूरी है। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट ये सेलेक्ट किया है EC00515 सिटी ऑफिस, जस्ट आप ओपन पर क्लिक करेंगे, ओपन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है वो कहाँ आ जाता है, डायरेक्ट एक्टिविटीज पेज पर। जैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट को आप ओपन करते हैं वो डायरेक्टली आपको एक्टिविटीज पेज पर लैंड करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज एक्टिविटीज पेज एंड दिस वन इज एक्टिविटी डिटेल विंडो, बिकॉज उसी पेज के नीचे आ रहा है डिटेल। नाउ गो बैक, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन करने कंट्रोल ओ, तो आपको सिलेक्शन किससे करना होगा, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन करना है। तो मैं आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को वन बाय वन ओपन करेगा।
सब प्रोजेक्ट्स उसने ओपन कर लिया। ये प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होता है ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स से, सेम होता है या डिफरेंट बेस? नहीं, ट्रैकिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। करंटली वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द फाइल मैनेजमेंट टूल। मैं पूछ रहा हूं उसमें वेव ब्लैक करके तो तब भी ये मल्टीपल प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके करते हैं या डिफरेंट वे से करते हैं? नहीं, डिफरेंट वे। अच्छा, ओके, डिफरेंट वे रहता है। ठीक है, अभी क्या यूज किया है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम ओपन करते हैं इसलिए जस्ट सेम शॉर्टकट कंट्रोल ओ। नहीं नहीं, पर्पस क्या हो सकता है उसके, मल्टीपल किस पर्पस के लिए हम करते होंगे? अगर अगर एक प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम मैनेजमेंट आप कर रहे हो, प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंडर में रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जो एक दूसरे अच्छा, से रेलिवेंसी रखते हैं। सपोज आपको कोई एक कॉलोनी सेटअप करना है, कोई आपको एक रिफाइनरी सेटअप करना है, उसके अंदर सिविल कंस्ट्रक्शन का आपका अलग टेंडर है और सर्विसेज के लिए आपका अलग टेंडर है, और जो उस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है कंपनीज वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, बट क्लाइंट सिंगल है। तो उस क्लाइंट को रिपोर्टिंग दोनों का एक साथ चाहिए, दैट मीन्स दोनों प्रोजेक्ट रेलिवेंट है एक दूसरे के साथ। तो जब वो दोनों प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज करना होगा एक साथ तभी रिपोर्टिंग होगा, उस केस में वो कहलाता है प्रोग्राम मैनेजमेंट। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनको जब हम मैनेज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो वहाँ पर हमें नीड होती है। ओके, सो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर आपने ओपन किया है, अब आप बात करते हैं प्रोजेक्ट्स को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए शॉर्टकट है, वो थोड़ा सा डिफर करता है क्योंकि वो आपको हर एक विंडो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलता। तो क्लोज करने के लिए शॉर्टकट रहेगा कंट्रोल प्लस डब्लू। जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस प्रोजेक्ट्स? आप यस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे सब प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। ओके, सो नाउ हम बैक आ गए हैं वापस। सो ये तीन फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं, कंट्रोल ओ फॉर ओपन, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे सारे, कंट्रोल ओ फॉर ओपन, कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज। नाउ न्यू प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस एन, कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एन। बट कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको अगर स्टार्ट करना है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो क्लियर होना जरूरी है। पहला, वो एंटरप्राइज के किस डिपार्टमेंट के अंडर में आप स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। ये दोनों चीजें डिफाइन करने के लिए आपको वो पहले क्रिएट भी करना होगा सॉफ्टवेयर के अंदर। हर एक एंटरप्राइज के डिविजन सेम तो नहीं हो सकते, रेस्पॉन्सिबल पर्सन का जो हायरार्की ऑर्डर है वो भी सेम नहीं हो सकता, दैट मीन्स वो आपको अकॉर्डिंग टू एंटरप्राइज क्रिएट करना होगा। सबसे पहला टूल होता है जिसको आप क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लिखिए OBS, और OBS हमें कहाँ मिलेगा? मैथ्यू, which task you are with? No, actually, I am listening actually. No, you have to check the screen also. Yes, yes, yes. Okay. No, actually, I am not listening. The main purpose you are sitting, you have to check the screen also. Because whatever I am speaking, that is relevant to this screen only. So we have to first create the OBS, that means hierarchy order of our responsible persons in any specific enterprise. So where you want, we find OBS, you have to go to the menu bar. In menu bar you will find there is an option enterprise. Just check the menu bar, there is an option of enterprise, click on the enterprise, you will find there is an option OBS. This means organizational breakdown structure. Now click on this OBS, it will open up window, organizational breakdown structure. Now most important part, Primavera के अंदर तब भी आप कोई window open करेंगे, यानी कि this is a window, a pop-up window came. उस pop-up window के अंदर आपको एक option मिलता है display, just below the name. You have to check this one, display.
every time you open any window, you have to check this option display. What it is saying? Current EPS slash projects. It is showing us only the current projects or EPS responsible person. It is not showing all obvious elements, whatever created in the software. That's why you have to check this display option. If there is an option of current, that means it is not showing all data. Now what we have to do? We have to change the filter. How? Just click on this display. I'm saying in every window you will find this display option. That's why this is too much important. You click on this display, you will find there is an option of display or filter. In filter, there is an option all obvious elements. Click on this one, then it is showing. It will show you all the elements. Got my point? Okay. Second thing, it is showing us in a vertical manner. Suppose we want to check according to the tree, hierarchical tree. So what you can do, again click on display, there is option chart view. Click on this chart view, it will show you like this. This is the chart view. Got it? Now it is easy to understand that your enterprise name is this one and it is having a 6 divisions, and under this product development there is a two subdivisions for corporate, for IT also. Can be exported to PDF or Excel or whatever. Yes, yes, we have all those options. No, same pattern mein aa jayega na. Yes, 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 we have all those options. We will discuss later. First, we want whatever we have for today content, first we will cover up those things, because everything is lined up accordingly. According to the modules, everything is lined up. We will discuss each and everything, don't worry. Just go with the flow, whatever we have in the modules especially. Because this is the introduction part, but this is very important. Because if you don't know the elements, basic elements, then there is no any relevancy to directly go to the project. That even I want the, all the features to be discussed and seen today. So that is the basic thing. Exactly. Now, we go back, click on this one, again come back to the table view. Now, if you go and check here, this enterprise is a top level. At the same level there is nothing you can find from the top to bottom. No one is at the same level, because this is the top one, and under this at the second level these are these directly report to this one, and these two under this one, these two under this one, and these two under this one. Now in a vertical manner also you can understand. What I will do, I will select each and everything and delete, because we have to create according to our industry, according to our enterprise. Now let's say our top order is our director. So we created, if we know the name also, so we can write her, his or her name. Now select this director, add an element, come under this one. Now let's say we have a divisional director for engineering and construction director. Okay, now add again. This is, let's say, oil and gas director. Again add mechanical equipment director. Again add energy resources director. All the directors of according to the departments all report to the main director. Now under engineering and construction we want to create under this, but it will create at the same level. So what you have the arrows here.
Now if you move this to right, that means this will comes under ENC. When you click on this right one, right arrow, this comes to under the ENC. Now right is name. Let's say this one is the project head 1. Now under this project head we want to add a project manager. Again click on add. Now it will come at the same level, so we can use the arrow key, write it. Now this is project manager 1. Now add, this one is project manager 2. You can do like this also. You can select, right click, not right, copy. You will get the e-book, but इसकी जो recording होगी उससे मैं मतलब बाद में जाके revise कर सकता हूँ। Exactly, I will share the recordings with you guys. और इसकी जो भी commands हैं, जो software है, उसकी उसका कोई mode है क्या मेरे पास? कोई chart या Everything we can write down. Okay. During the discussion, every shortcuts. वो pre-recorded नहीं है, you had sent that the PDF file और देखे करते हैं। That is the e-book, yes you have, but that is not according to our exactly that is not according to our lecture series and all. That's why, because that will carry the theoretical portion mostly, not according to the software. That will be with you guys lifetime. That will be with you. Text e-book also. For the theoretical part, for the practice worksheets also, and these lecture series also, the videos, all the these video three. Recorded session, कैसे मैं कर सकता हूँ? I will provide you the links. Okay. Definitely, not an issue. Okay, so like these, you can select, you can right click, copy, and you can again select, right click, and paste down. Like this, you can do copy paste also to create the OBS elements. Now, click on this display, click on chart view. This is how you can create. Now, if you want to represent these vertical orders also in horizontal manner, so what you can do, you can select this engineering and construction. Again, go to the display. There is an option arrange children. Change it to horizontal way. So it is having all the display options under this. That's why I told you in the starting that this is the most important part. In every window you will find this display option. So you can cross check everything in a chart manner. Okay, now go to the display. Table view. This is the vertical manner. Okay, so like this you can create n number of responsible persons according to your industry, whatever your enterprise. After creating all the OBS, you can close this window. Now our OBS are ready. Second thing is enterprise. For which enterprise you created these elements, OBS elements, you have to create your enterprise. Let's say we are working in an enterprise, that's name is XYZ Construction Private Limited. Under this we have four divisions, namely engineering and construction, oil and gas, energy resources and mechanical equipment. These four divisions we have. Under engineering and construction, suppose we have two subdivisions. First one is for building construction, second one is for, let's say, bridge and highway construction. So like this we have to create a hierarchy order that comes for EPS, that is called enterprise project structure. So again, where we find EPS we can find again in the same option, enterprise. Now go to the menu bar, click on this enterprise option, you will find enterprise project structure, not EPS. OBS is we find in shortcut OBS, but EPS you will find as a complete name, enterprise project structure. So you can click on this one, enterprise project structure. Now it will open this window again, enterprise project structure. Again check, there is a display option. Click.
there is any option for the filter? No. That means it is showing all the elements. Okay. Now, we have, if we minimize this one, we have a enterprise over here. Its name also are the same as enterprise. So we can add, but this comes under this enterprise. What we want a separate enterprise to create. So you can click on the left side, this arrow again, and move it to top. Now it's ID and name. ID means a short way and name. ID must be unique, like Aadhaar ID not the same of two persons. Similarly, EPS IDs will be different for each and every division. Project ID should be different. Activity ID should be different. WBS ID should be different. That means if anywhere comes the ID, that means for two part, then IDs should be different. They will not be same anywhere. Now, under this we create XYZ and its name is XYZ construction private limited. This is our enterprise. Now under this enterprise we have four divisions. Now click on add, first one, second one, third one, fourth one. Now first one is, let's say, engineering and construction. Sir, second one is same pattern same hai, creation ka pattern same hai. EPS enterprise ke divisions bata raha hai. OBS responsible person bata raha hai aapko us enterprise ke. That is representing the responsible persons, and it will represent your the divisions of your company or your enterprise. This there is energy resources and mechanical equipment. Now its full name is engineering and construction. This one is oil and gas. Energy resources, mechanical equipment. Now under this engineering and construction we have two separate subdivisions. So again select this one, click on add. It will come on the same level, but we have to move on to under engineering and construction. Now move it to right side. It will move under ENC. Now add a second one also. This is, let's say, building and construction. This is, let's say, bridge and highway construction. Okay. Now select this one, main enterprise. A question ये हो सकता है माइंड के अंदर यहाँ कि क्या ई पी एस हम पहले क्रिएट कर सकते हैं ओ बी एस से पहले या नहीं? क्वेश्चन माइंड में आ सकता है, हम नहीं करेंगे. रीज़न क्या है? जब आपने ई पी एस क्रिएट किया है, अब आपको ई पी एस का रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिफाइन करना है. वो तभी होगा जब ओ बी एस ऑलरेडी बना हुआ होगा. अदरवाइज आप पहले ई पी एस बनाएंगे, फिर ओबीएस बनाएंगे, फिर वापस आकर यहाँ उसके रेस्पॉन्सिबल पर्सन को डिफाइन करेंगे, तो ट्रिपल काम हो जाएगा आपका. इसलिए ऑर्डर इज, आप पहले ओबीएस क्रिएट करेंगे, देन आफ्टर ईपीएस क्रिएट करेंगे. नाउ सेलेक्ट योर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. इट इज रिप्रेजेंट रेस्पॉन्सिबल मैनेजर एज ए डायरेक्टर. नाउ वी हैव टू चेंज दिस वन. देयर इज ऑप्शन ऑफ ब्राउज. Now select this one, window con. Who is the responsible person for this department, engineering and construction? This is this director. So assign this director. Yes. Now oil and gas, select this one. Responsible for oil and gas is this one. Assign. Energy resources, click on over here. The responsible person for is this one. For mechanical equipment, responsible person is this one, mechanical department.
That's why I told you, if you have the name, you can write down there. Now you have your enterprise divisions and you have the responsible person for that specific division. You linked both simultaneously. Now this is lined up, and if you check your first page again, you will find here this your enterprise, and under this you have some divisions. Got it? Now you want to start a new project, so you have to define in which department you are going to start this project and who is the responsible person for this project. So to start a new project, which shortcut I told you? Control plus N. So just press Control plus N. When you start the new project, what are the problems will come? First we will discuss that those things, then after we will go for the user settings. Okay. When you start a new project, create a new project, it is saying select EPS. Sorry? Yeah, during the marriages and all. Now select the enterprise project structure level for the new project. That means it is saying that in which division of the EPS you want to start this project. Just select. Now there is a pop-up window, click on over here, select. Let's say we want to start under oil and gas. Now select that division, assign it, it is selected. Now click on next. It is saying specify the project ID and project name. These things you will get with the tender document or from the company or whatever. Okay, let's say we have a project named as Refinery 01. Okay, now next, it is asking about project start and end date. End date we don't have because we want to plan, and according to our schedule we get our tentative final date, but we cannot decide at the time of starting. No, you can. Okay, I am not wondering that the tender document also itself showing the timeline. That is asking that you have to complete the project in 3 years or 2 years or 1 year. That is called deadline. But we have to schedule our project, that activity to activity, how we are going to work on this project. So according to those relationships between activities, what date, what end date will come? Okay. Is that date is under the tender, according to the tender document, is that is under or that is going late? So if that is going late, then we can rework with the activity relationship, which what more number of activities we can parallelly start so that we can reduce this time. Those all are the task we can work out later. But again, the question is, what is the danger part if we put that end date here? Just my understanding. Okay. Then project scheduler will take that date as a project finish date. Exactly. Whatever the relationship is, whatever the constraint is, project schedule always take that date and time exactly as a end date. Yeah, yeah. That's why we have, this will not beneficial for us at the starting time. In my experience, it should be provided here. You can try. वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटी ड्यूरेशन, उनके बीच का रिलेशनशिप, ये सब क्या है उसके अकॉर्डिंग. जस्ट डेट का खेल नहीं है, रोल है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज, उनका ड्यूरेशन, वो उसको ही एंड डेट मानकर चलेगा. सपोज आपने 3 एक्टिविटीज बनाया, ए बी सी. ए एक्टिविटी 2 दिन का है, बी एक्टिविटी 3 दिन का है,
सी एक्टिविटी 4 दिन का है, सो 4, 3, 7 एंड 2, 9, और सब एक्टिविटीज ऐसा है कि ए कंप्लीट होगा तो बी स्टार्ट होगा, बी कंप्लीट होगा तो सी स्टार्ट होगा, दैट मीन्स तीनों को कंप्लीट होने में 9 डेज का टाइम लगेगा। आपने फर्स्ट को स्टार्ट किया तो यानी कि 9th की इवनिंग में वो फिनिश हो जाएगा, अगर हम ऑल 7 डेज वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट को स्टार्ट होगा, 9th को फिनिश हो जाएगा क्योंकि 9 डेज का है। आपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल में स्टार्ट करते वक्त यहाँ मस्ट फिनिश में 8th डेट मेंशन कर दिया, तो प्रोजेक्ट शेड्यूल जो एंड डेट दिखाएगा प्रोजेक्ट का वो 8 ही दिखाएगा, 8th ऑफ मंथ, वो 9th नहीं दिखाएगा। आप रिलेशनशिप कैसा भी रखें, आप उनके बीच कंस्ट्रेंट कैसा भी लगाएं, वो प्रोजेक्ट एंड डेट हमेशा 8th ही दिखाएगा। ये रीजन है कि इनिशियल प्लानिंग में हम प्रोजेक्ट एंड डेट मेंशन नहीं करते। इनिशियल प्लानिंग के अंदर हम कभी प्रोजेक्ट एंड डेट नहीं देते। If we refer those dates and plan it, there may not be much changes will come. Rather, if we skip the end date and keep on planning, scheduling everything, but end date is not meeting, that will take us more time to adjust the schedule. This is my opinion. You can say that thing, but again the same thing, that depends on your experience. No. That depends on the experience, how much you have worked and how many projects you have worked just similar to these ones which you are going to undertake. According that depends on those factors also. But as a fresher prospect view, that will be not beneficial. Yes, according to experience you can take, because you know, you are already worked on the industry on the same type of project. So you can understand and you can change all those things accordingly. No, I was just trying the pros and cons. Exactly, not an issue. So the thing is, we can select the date here, but we don't have the time option. Like, suppose we start our work on morning 8 a.m. So we don't have any option to specify the time here, because in the settings option that time is disabled as do not show. That's why time is not shown. So before starting any type of work on the software other than OBS and EPS, because those are the static part that will not change, that will not depend on the date and time. That's why you can create OBS and EPS, that will not hamper. But if you want to start a new project, if you want to create any type of calendar, if you want to modify any project, that means there is a role of time, there is a role of date. That's why before starting any type of work on the project, you have to set your user settings. Now, I will cancel it, this project, I will cancel, we don't want right now. Now, first we do the settings part. Those are also the one-time settings only. Now, when we open the software first time, I showed you a pop-up window here that is saying type of industry you have to select. So, where we find that? That is saying under admin preferences you will find. So, go to the menu bar. In menu bar you have the admin tab. Under admin you will find admin preferences. Now go to this window, admin preferences. Okay, now under admin preferences you have many tabs. We will discuss about the most important part, what we required starting settings. First tab is general. In general tab you will find starting day of week, because this will change according to country or according to, you can say, region.
इन गल्फ कंट्रीज फ्राइडे विल बी अ वीक ऑफ, दैट मीन्स सैटरडे इज योर स्टार्टिंग डे ऑफ वीक. इन इंडिया संडे इज टेकन एज ए वीक ऑफ, दैट मीन्स मंडे विल बी योर स्टार्टिंग डे ऑफ वीक. सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टार्टिंग डे ऑफ वीक यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम हेयर. लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, वी कैन से स्टार्टिंग डे ऑफ वीक इज मंडे. एंड सेकेंड थिंग, गो डायरेक्टली टू द इंडस्ट्री एंड टाइप, सेलेक्ट योर इंडस्ट्री टाइप. लेट्स से वी बिलोंग टू द ऑयल एंड गैस, यू कैन सेलेक्ट. यू बिलोंग टू द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यू कैन सेलेक्ट. नथिंग विल चेंज अकॉर्डिंग यूजिंग दिस सेलेक्शन, बट सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड ओनली. If you select this type and close this window, okay, now that pop-up window will not give. If you close and you will open the software again, now there is no any pop-up window game. Now, अभी आप अगर ध्यान देंगे वो pop-up window जो आया था starting में वो नहीं आया ना, यानी कि वो set हो गया है. तो admin में एडमिन प्रेफरेंसेस में एक टैब है फर्स्ट जनरल, जिसके अंदर स्टार्टिंग डे ऑफ वीक सेलेक्ट करना है, और सेकंड टैब है आपका इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपको इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करना है. ये दो चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें और एडमिन प्रेफरेंसेस में कुछ यूज़ आपको. लेकिन वो सिलेक्शन नहीं बना, फिर से चलो कोई बात नहीं. कौन सा सिलेक्शन? वो टाइप ऑफ इंडस्ट्री नहीं सिलेक्टेड है. वो यूटिलिटी ओरिएंटेड लास्ट वाला सेलेक्ट हुआ नहीं, ये डॉट वही सेलेक्ट रिप्रेजेंट द सिलेक्शन. लास्ट पहले कोई भी सेलेक्ट नहीं था, डॉट ही नहीं था किसी पर भी. अच्छा, अभी जिस पर डॉट आ रहा है दैट इज देयर इज द सेलेक्टेड वन. ठीक है नो प्रॉब्लम. ओके अदर देन दिस, ये तो समझ आ गया, बट अदर देन दिस व्हाट आर अदर ऑप्शन? कैन यू जस्ट फास्टली क्विक? करंटली वी हैव नो एनी यूज. वी आर स्टार्टिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी रिक्वायर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली. ओके okay, accordingly we can discuss later when we discuss the earned value, when we discuss the rates budgeting, when we discuss about the reporting part, we will discuss accordingly according to the requirement. Now close it, because we don't know the basic part, that's why there is no any relevancy to discuss all those things at the starting time. Now second thing, we required currency. Suppose we want to plan a project, that means there is a budgeting also. In which currency you required your budget? Again go to the admin tab, there is an option of currencies. Select this one, you will find all the currencies available with you. You will not find Indian rupees here, you will not find Saudi Riyal here. So you have to create. Now how? Just click on add. There is a currency ID, INR. Currency name, Indian rupees. Currency symbol, rupee symbol. And we don't have here. In old laptops there is no any symbolic representation. So that's why we do one thing. Yeah. Rupee symbol. And exchange rate. 1 rupee is equal to. That will not copy it, I think. Copy. No, we have to type. This one is 0.012, na? 0.
ओके, यू कैन टाइप एंड यू कैन क्लोज दिस विंडो. सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर करेंसी. यू ओनली क्रिएटेड, यू हैव नॉट असाइंड, ओनली द क्रिएशन पार्ट यू कैन डू अंडर एडमिन. सो वी हैव डन टू थिंग्स, फर्स्ट अंडर एडमिन प्रेफरेंसेस एंड सेकेंड वन करेंसी. नाउ गो टू द एडिट, देयर इज अ ऑप्शन यूजर प्रेफरेंसेस. ओपन दिस वन. इन दिस वी हैव सम टैब्स अगेन. नाउ फर्स्ट थिंग इज टाइम यूनिट्स. वी हैव द एक्टिविटीज, दैट मीन्स टास्क, एंड वी आर हैविंग रिसोर्स. लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दीज थिंग्स, वॉट आर द रिसोर्सिस, वॉट आर द एक्टिविटीज. सो द देर इज अ ड्यूरेशन फॉर एक्टिविटीज, देर इज अ ड्यूरेशन फॉर द रिसोर्सिस. देर आर टू टाइम्स. फर्स्ट यूनिट्स फॉर्मेट इज बिलोंग टू द रिसोर्सिस पार्ट, एंड दिस ड्यूरेशन फॉर्मेट बिलोंग्स टू आपका एक्टिविटी पार्ट. सो दिस इज फॉर द रिसोर्सिस एंड दिस इज फॉर द एक्टिविटीज. गॉट इट? लेट्स से वी डिफाइन बोथ अकॉर्डिंग टू डेज, एंड वी वॉन्ट टू डिफाइन एज ए लेबल लाइक डी. डी डिनोट फॉर डेज, स्मॉल डी, एंड अप टू टू डेसिमल प्लेसेस. इफ देयर इज अ लाइक 10.5 डेज, दैट मीन्स वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट एज 10.5, नॉट 11. अदरवाइज इट विल राउंड ऑफ, इट विल रिप्रेजेंट एज ए 11 इफ यू डोंट इनेबल द डेसिमल पार्ट. So this is better, you enable the decimal part also for the exact values. Now go to the dates. There is a sample, 31st October 22. Now we required as 2022. So there is options 4-digit year. We will enable this one. This will change 2022. Now we required time. It is selected as do not show time. We required as a 24-hour format, so we will enable this. No. This means 24-hour format. This means it is not showing as a AM and PM. It will showing 1 PM as a 13. According to the railway schedule time format. Now go to the currency. It is selected as a US dollar. In which currency you want? You can click on here and all currency will show on here. We created the Indian rupees also. Now we can assign this one here. Then there is option of assistance. Achha, here I will ask one question. Yes. Now we have not opened any of the project. This is to come only. Now we are working under OBS, EPS. So we do something. So this currency will apply, INR will apply to अभी करंटली हम सेट कर रहे हैं सेटिंग. सपोज हम सऊदी के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दैट मींस हमें जो करेंसी यूज करनी है वो सऊदी रियाल यूज करना है. आपको पहले सऊदी रियाल क्रिएट करना होगा और यूजर सेटिंग्स में आकर वो असाइन करना होगा, तभी आप वो प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे. वो समझ गया, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. हम प्रोजेक्ट में अभी गया नहीं है ना, हम इधर से करें, कल को मल्टीपल प्रोजेक्ट करेंगे, एक एसआर में दूसरा यूएसडी में, तो ये वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो बाय सिस्टम डिफॉल्ट कर बना दिया हमने. हम प्रोजेक्ट्स में लाग करके फिर डिफाइन करें, देन ओके वन इज एसआर अनदर इज फॉर यूएसडी, इस तरह का बोल रहा हूं. जब हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है वो किस करेंसी में करना है वो सेलेक्ट ही करना होगा आपको. अच्छा, तब सेलेक्ट करना होगा. एग्जैक्टली. ओके, फिर वो उसी करेंसी में आएगा. ठीक है, वो उसी करेंसी के अंदर रिप्रेजेंट करेगा. उसके अलावा क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल यूजर लॉगिन्स होते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर के, और जैसे मैंने बोला मल्टीपल डेटाबेस होंगे, तो सऊदी का अलग डेटाबेस बनाएंगे, इंडिया का अलग डेटाबेस बनाएंगे और अदर कंट्री का अलग डेटाबेस बना देंगे. अच्छा,
उस जो भी डाटाबेस आप सेलेक्ट करेंगे उसी की सेटिंग ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। नहीं वो हो जाएगा लेकिन ठीक है ठीक है, वही यूजर सेटिंग्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगी जो भी डाटाबेस आप सेलेक्ट करेंगे। नो प्रॉब्लम, आफ्टर द प्रोजेक्ट क्रिएशन यू जस्ट शो अस हाउ द करेंसीज आर डिफाइंड ऑन दैट डेवलपर, देन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। श्योर, नाउ वी हैव सेलेक्टेड आवर करेंसी एज ए इंडियन रुपीज, दैट मीन्स वी वॉन्ट टू वर्क फॉर विद इंडियन रुपीज ऑन द प्रोजेक्ट। नाउ देन नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस। इन असिस्टेंस देर आर टू ऑप्शंस, यूज न्यू रिसोर्स विजार्ड एंड एक्टिविटी विजार्ड। दैट मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू डिफाइन एनी रिसोर्स और एनी एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट, दिस विल ओपन अ विजार्ड विंडो, एवरी टाइम पॉपअप विंडो विल केम, दैट विल take your time, we don't want to use the wizard window, we can disable to reduce our time, like we want to mention all the things as a tabular format like in Excel, we can change the cell with the help of arrow key and we can write it down directly, so it will save our time only, that is the main reason we disabled this wizard window, otherwise pop-up window came, you can write data then click on next, then second detail, then next, then third detail, then next. So it will ask according to the step by step. That will take too much time. To save the time, we disabled these wizard windows. Okay. Now all the remaining things like application, as I showed you that when you open the project, that will automatically land to the activity window. Because here activities windows is select, that's why it will automatically land to the activity window. If you selected here the WBS, that means when you open the project now, it will directly redirect to WBS page. So whatever selection is here, when you open the project, that project will automatically land to this page. Groups and sorting, this will show us that name and description we want to define, like the these are the name, description, whatever you want, these are the codes, these you will understand after we created any number of project, whatever the conditions we define. Second one is password, like we have currently set as a admin, but if you want to change you can come back over here, type your current password, new password, confirm and click on OK, this will change your password, but I will not recommend during the practice. Then resource analysis, we will discuss after creating the resources, how software will calculations, take the calculations and all, we will discuss. These are the startup filters. Currently, for the resources, there is no any filter, and for the roles. Now, when we open the OBS option, and I showed you that under every window you will find there is option of display. What option will came? Current EPS or project at that time. Like if you go to the enterprise and go to the OBS, now here display, what option will came? Current EPS and project. Now I told you that go to the display, go to filter, if you want to check all elements you have to click on here. Now suppose you don't want to do these things, you require that when we open the OBS, this will automatically open all OBS elements, not current EPS or project, because every time we have to change this filter. Now how you can do those things, go to the edit, user preferences, the last option is startup filters. Now current project data, you can change all these to view all data. Now everything is change to the all data. You don't have to select every time all data. Now we can close this one. Now open enterprise, go to OBS. Now you can check all OBS elements automatically opened directly. You have not do the changes every time under display. Got it? But when and in any database there is an hundreds of projects, that means it has to load all the data every time you open the window, that will slow down your software performance.
that will slow down your software performance also. So that is more beneficial that you cannot select this all options at the same time. Because whenever you open the resources, in a single project you have used 100 of resources and you have done the 10 or 15 projects, that means 1500 resources it has to load every time you open the resources window. That's why it is not recommended. Understand? Now close it. But you have the options, if you want you can select. According to your requirement, like in OBS you require, you have the less data for OBS, you can select all data will load. And you have the less data, more data in resources, we required only the current project. So we are having five window name here, no? Resources, roles, OBS. So if you want OBS according to all data, you can select. If you don't you want to open only according to the current project, you can select. So we are having the these five windows options. So can we add more filters? No. These are the program controlled only. You can close this one. These are the user settings. And you can say one time settings to start up new project. Now you can start your project. Let's say press Ctrl plus N for the new project, Ctrl N. Now it is saying select EPS, under which enterprise division you want to start your project. You can go here and let's say you want to start under building construction. Select that specific EPS. Click on assign. Now your EPS name comes here, building construction. Click on next. Now it is asking for project name. It is saying project ID is a short unique identifier for your project. Let's say we are saying project ID as Reno and project name as renovation of residential building. Project ID and project name, these we will get from the tender documents and all. Now click on next. Project start and end dates. Now see, specify the planned start date and must finish by date. This is saying project planned start and this is saying must finish. That means this is a type of constraint which will constrain your project finish date. Now again, the must finish by date is the date by which all project activities must finish. Now this is the optional one. If entered, it is used as project late finish date by the project scheduler. Understand? Now we will go to the, let's say we want to start our project from 7th of November and we want to work on our project from morning 8 a.m. We have select the date and time. Now select. Now date and time is selected. We will left this one as a blank, must finish by, left it as it is. Now click on next. It will ask you the responsible manager for your project. Now we have created all the elements under OBS. We have to select the responsible person for this specific project only. So now click on this browse, it will open all the OBS elements. Select who is going to be the responsible for this project. Which project? Which you defined Reno. Let's say we are saying this project manager one is the responsible person for this project. So we assigned it. Now next, it is saying assignment rate type. Rate, that means it is asking about the rate type for budgeting part. Just take it as a default standard rate. When we go to the topic budgeting part, we will discuss each and everything.
over that time. First, take it as a standard rate. But in the live project also, if we select standard rate, there is no conflict. No conflict. We can change this later also. Okay. We have the all options. We can amendment later also. Okay. Now, click on next. Now, it is saying congratulations. Your project has been created. Now, you can finish it. Okay. Just click on finish. There is a project, renovation of residential building. Right click, open. It will automatically land to activities page. But when you start a project, that means you have to work, you have to define the task in that project. If you have to define the task, that means you have to define the duration. Suppose any activity have the duration like 10 days, 20 days. There is going a week off also in between. So how software or project will take which day is your week off and which is not, which is your holidays and not, that depends on our calendar. That means we have started a project, that is fine. But till now we have not defined the calendar for this project, that for according to which calendar we are going to work on this project. So here we have to define calendar. Before starting the calendar part, we have to discuss about the types of calendar. In Primavera we have calendars. Three types of calendar. First one is global. Second one we have resource. And third one we have project. We have these three types of calendar. Now, this name is global. That means you can use it anywhere. For any project, for any resource, for any activity, whatever. If there is an option of calendar, you can use the calendar if that calendar is created under global category. So you can use it for n number of projects, for anywhere. There is no any limitation for this category calendar. Now, second one is a resource calendar. It is saying as a resource. That means this is only for resources, you cannot use anywhere else, only for resources. If you create a calendar under the resource category, that you can use only for resources. Now, third one, project calendar. For project calendar, this is used only for single project. Not for multiple, only for single project and its activities, same project ki activities ke liye. सेम सिंगल प्रोजेक्ट का जो रिसोर्स होगा आपके पास, आप उस रिसोर्स में भी इस एक्टिविटी, इस कैलेंडर को यूज नहीं कर सकते हैं. सेम प्रोजेक्ट के रिसोर्स में भी ये कैलेंडर असाइन नहीं हो सकता. दिस इज ओनली फॉर प्रोजेक्ट एंड इट्स एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफिक कैलेंडर. सपोज इफ वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट कैलेंडर फॉर दिस रेनो प्रोजेक्ट, दैट मीन्स यू कैन यूज ओनली फॉर द रेनो प्रोजेक्ट and its activities only. These are the limitations for a specific type of calendar.
what it the types differences between these. For the creation part, like how we can create any specific type of calendar, that is the same. Only the category will be different, that which category is representing to, but the creation part, how you can create any type of calendar, that is the same for any type of category. So let's say first we take any type of condition, then according to that condition we can create calendar. So we have the detail for condition, what type of calendar we have to create. Now let's say we have to create a calendar. Let's say we have to start work at morning 8 am till evening 8. Let's say this is our working time, morning 8 to evening 8. Now in between this we have a 1 hour break for lunch, and that is from 1 to 2. So from 13 to 14 this is our lunch time. Now if you want to specify any break for tea, like 15 minutes tea break, so that is not possible under Pranavara. No, that is not possible. That is not possible under Pranavara. What are the possibilities? You can define as minimum 30 minute break, not 15 minute or 10 minute. Or in multiples of 30 minutes, that means 30 minutes, 1 hour, 1 hour 30 minutes, 2 hour, 2 hour 30 minutes. Like this you can define. Not as a 15 minute, 10 minute, there is no any option. Okay, got my point? 30 minutes or in multiple of 30 minutes only. Now, when we go to the calendar, there you will find some rows. In a row, that will divide into a two block. A single block represents 30 minutes. That means a single row will represent 1 hour. A block, a single row will contain two blocks, first one and second one. One block represents 30 minutes. That means one row represents 1 hour. I will show you in the software also, but I will give you a brief idea what we are going to see. Let's say 13 to 14 is our lunch time, and we have a 30 minutes break from 17 to 17:30 for tea, or we can say snacks. This is 30 minute break. That means this is total 12 hours, 1 hour is lunch, 30 minutes is for tea and snacks. How much it will become? 10:30? 10 hours, 30 minutes. This will become on daily basis. Okay? So you can, I told you, you can define only like this one, multiple of 30 minutes only. You don't have any option to define the 15 minutes or 10 minutes break. So we obviously we don't define like the 8 half hour for tea and snacks. That is going to be the simultaneously during the work we distributed the teas and all. So this type of detail we cannot define in calendar. So this is our lunch, this is our total time. So we are going to work on the project as 11 hour per day. Okay, now symbols. Small h is for hour. Small day is for day. Small w is for week. Small m for month. Small y for year. Small n for minute.
this is different. Exactly. This is something different. Okay, all symbols are in small letters, not capital. If you specify as a capital, that will give you error. That will not accept. Software will not accept. It's only small letters. Only small letters. What is N? N for minute. It's a N for minute. Okay. Yes. This is for hour, this is for day, this is for week, month, year, minute. If anything you require in minute also, so then you can select N. Okay. Although we don't get any type of results during all my experience and the exposure during the expert training also, there is no one which is telling me in any type of activity or resource they use minute. They never used. Okay, but Pramvara has the option. If anyone is going to ask that what is the minimum format of the duration in Pramvara, so that is minute, not day. Okay, so after this one, we are having 11 hours per day. Now, our Sunday is week off. Let's say, for an example, this is our week off. So in a month, how many days you are going to work? 6 days a week. You are going to work 6 days per week. 6 days per week means how many hours you will work in a week. 11 hours per day, 6 days per week, that means 66 hours per week you are going to work. These all the things you have to define in the calendar. It will not take all like 11 hours per day and it will take an automatically per week, per month and per year. No, it will going to ask you about these things. You have to specify. So one thing, let us say that 8 hours is a normal day, 1.5 hours is overtime. So can we define separately or is 9.5 hour is working days, how we are going to define? No, if that is your daily basis schedule, then you have to define the calendar according to 9.5 hour. But it may not be but if they that is going to be any for any specific activity. For any specific task. Now the reason is that for you are a director, you have no overtime. I am a middle level man, I may have overtime. But so we cannot consider this as a all together 9.5. It's a defined only. So in that case, how will you do it? We have separate formats. That's why we have project calendars, resource calendars. We are the resources. Yeah. If anybody is a director, that will work on the project like 6 hours only a day. Yeah. That means we have to assign a different calendar to that director. Okay, different calendar. Different types of calendar we can assign to the resources, we can assign to the activities, we can assign different number of calendars. Okay. Well, let us make that also 2 hour, 1.5 hour separate. Exactly. We can keep it. Okay, now in a month we have to work 26 days. So 26 into 11, that becomes per month, and into 4 that will becomes, sorry, into 12 that will becomes year. Now we go back to the Pramavara. In enterprise option, you will find there is option for calendars. You can click on this calendar option. You will find under calendar, you will find these three categories: global, resource, project. Okay. Now you can check the title bar, which project you created just, that is in open format, like that is opened currently. And here you can select any type of calendar. Okay. Now suppose I close Control W, yes. Now no any project is open. Go back to the calendar, enterprise calendar. Now project option will disabled, because as I told you, project calendar will work only for single project. That should be opened if you want to create a project calendar. Otherwise, software will know that this project calendar is for this specific project. So that project should be opened while you create.
इफ नो एनी प्रोजेक्ट इज ओपन दैट मीन्स नो एनी प्रोजेक्ट कैलेंडर यू कैन एबल टू क्रिएट. अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Now you can create the global or resource calendar, but not the project calendar. If you want to open, if you want to create, you have to first open your project, on which project you want to use, then go to the enterprise, go to the calendar. Now you can use the project calendar. Okay. Now, first, for the practice part, just start with global calendar. Okay, because this is your first time experience with the calendar also, so that will be beneficial for you if you start with calendar, global calendar. So first thing, you have to select the category, under which category you want to create any calendar. After selection of the category, what you can do, you can click on add. This add option, this add option will show you the calendar. You have to select any calendar. This will duplicate the calendar. You can rename it and you can modify it accordingly. Like, you cannot create any calendar from scratch. You have to copy from the given calendar, modify its name, modify its settings according to your requirement, and your calendar is final. What my point? Starting में हमने global sem start करें. Like कोई भी category का आपको calendar बनाना है. जब भी आप add पर click करेंगे, आपको किसी ना किसी calendar से data copy करना होगा. यानी कि वो इस एक calendar का copy बनाएगा. हम उसको अपना नाम देंगे क्योंकि duplicate बनाया उसका. और उसको अपनी need के according modify करेंगे. किसी भी category. तो वो मैंने बोला कि हम पहले global के according practice करते हैं. एड पर क्लिक करें, किसी भी कैलेंडर को सेलेक्ट कर ले. लेट्स से पहला ही सिलेक्टेड आया, रहने दे, क्योंकि हमें तो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करना है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता उसके अंदर क्या सेटिंग है. जस्ट सेलेक्ट नाउ न्यू कैलेंडर के, रीनेम इट. लेट्स से आई विल रीनेम इट एज ए प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आई डी दैट्स वी गिवन रेनो. लेट्स से आई रिपीट इट एज ए रेनो, दिस रेनो. नाउ व्हाट वी डू do here, we just duplicate a calendar and rename it, but it is having a same settings, yes, from which we duplicate. Now we have to modify according to our need. So select this calendar, there is an option of modify. You can click on this modify. This pop-up window will come, in which you will find this is a global category calendar and which name is at a reno. When you open the modify option for any calendar, there are two options came: total work hours per day, detailed work hours per day. First came up with total work hours per day. How many hours in a day you will work? So what you can do, you have to repeat this format same. You cannot define first this one, second this one. There is a hierarchical format to create a calendar, you have to follow. Otherwise, calendar will create too many problems for you. Because if calendar is not correct, your schedule will not correct, your budget will not correct, that means everything is going to be disturbed. So this is having a specific format, only the same format you have to follow. So first is total work hours per day. Select this total work hours per day, then go to the work week option. There is option of work week. Now select first option, go to the work week. Option will come, calendar weekly hours. Now came up with here, how many hours we want to work? 11 hours a day. So Monday 11, Tuesday 11, Wednesday 11, Thursday 11, Friday 11, Saturday 11, Sunday is our week off, that means zero. So whatever your week off is, take it as a zero. Just click on OK. Now your Sunday will be your week off, gray. All other options are same, because these are your working days. Now go to the detailed
अगेन गो टू द वर्क वीक, दिस विल ओपन दिस विंडो. नाउ सेलेक्ट योर वर्किंग डेज. विच इज योर वर्किंग डेज? फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. नाउ सेलेक्ट मंडे टू सैटरडे. यू हैव टू सेलेक्ट ऑल डेज. नाउ वट वी डू? फर्स्ट वी कैन सेलेक्ट ऑल द सेल्स. मैथ्यू, दिस इज गोइंग टू रिकॉर्ड इट. दिस इज रिकॉर्डेड एवरीथिंग. But you have to see the screen also, otherwise it will create. So first select your working days. These 6 days are our working days. Now first select cell. Now drop it. All cells were selected. Click on non-work. First select the non-work. Now select according to your time period. From morning 8 to evening 8. Morning 8 means go with the cell. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Morning 8 means this cell. This cell to 19, this one. 19 means evening 7. 19 means 7 p.m. So 7 to 8, this means 7 to 7.30 and 7.30 to 8. Got my point? No. 0 likha hai. 0 ka matlab raat 12 baje. इसके जीरो के सामने जो पहला सेल है वो रात के 12 से 12:30 तक है, और इसके बाद वाला सेल रात के 12:30 से रात के 1 बजे तक है. तो एक रो में 2 सेल हैं, दैट मीन्स 1 आवर. और एक सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 मिनट्स को. इसलिए आप 30 मिनट से कम कोई ब्रेक दे नहीं सकते, और 30 मिनट्स के ही मल्टीपल में दे सकते हो, क्योंकि यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. नाउ सुबह 8, मतलब 8 यहाँ लिखा है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और 19 तक ले गया. 19 का मतलब 7 से 8, क्योंकि अगर आप 20 पर जाएंगे, एक माइंड में थिंकिंग होती है ना कि 20 का मतलब है 8, लेकिन ये 8 से शुरू हो करके 9 बजे तक ले जाएगा आपको, अगर आपने वो रो सेलेक्ट कर लिया. दैट मीन्स 21 पर ले जाएगा वो आपको, लेकिन हमारा फिनिशिंग टाइम रात में 8 बजे का है. सो 7, यानी कि 7 to 7:30, 7:30 to 8. ये पूरा सुबह 8 से रात 8 तक मैंने सेलेक्ट किया, और पूरे को मैंने बोला ये मेरा वर्किंग टाइम है. अभी बात करेंगे. क्लियर? पहले पूरे को नॉन वर्क कर दो, जिससे कहीं भी अगर सेल वर्किंग टाइम हो इन बिटवीन, वो पूरा रिसेट हो जाए. अब अपना टाइम सेलेक्ट करो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जो भी टोटल टाइम है, और उसे वर्क कर दो. अब हमें आना है लंच टाइम, वो है दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक. दैट मीन्स 13 to 14. Now, 13 सेलेक्ट करो, कहाँ है 13 वाली रो होगी, 13 to 14, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो. जो आपका लंच टाइम है वो भी आपका नॉन वर्किंग टाइम है. सो 13 to 14 सेलेक्ट एंड नॉन वर्क. दैट मीन्स 5 आवर्स बिफोर लंच, 6 आवर्स आफ्टर लंच, दिस विल बिकम 11 आवर्स अ डे. एंड दिस सेटिंग इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. गिव इट ओके. Sunday by default non working Monday. Exactly. That's why we don't have to select anything about the Sunday. We have taken as a zero. 90% starting एक दो दिन calendars में problem होता है. कोई tension नहीं है. होगा तभी तो learn करोगे. इसीलिए आए हैं. So cross check हमेशा करना calendar. That means, आपने मंडे टू सैटरडे के लिए एक टाइम टेबल डिफाइन किया है. एक बार एक वीक में मंडे टू सैटरडे तक चेंज करिए. कैसे? मंडे है तो यहाँ टाइमिंग पे देखो, व्हाइट सेल्स अलग ही दिख जाएंगे आपको. जस्ट सेलेक्ट करिए मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अगर कहीं भी अप डाउन होगा आप उसको फील कर लेंगे उस टाइम पर ही, तो आप समझ जाना कैलेंडर में गड़बड़ है. ये रिकॉल करना आदत डालना, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से 1.5 महीना आपको मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे, क्योंकि आप नए होंगे, इसलिए आपको रिचेक करना ध्यान से. और ये ग्रे कलर से नजर आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज आवर वीक ऑफ. कोई टेंशन नहीं है, इसी से आपको पता चल जाएगा. बात ये आता है कि अगर किसी स्पेसिफिक डे मुझे हाफ डे वर्क करना है, या मेरा बीच में कोई हॉलीडे है,
ईद आ गया, दिवाली आ गया, 25 दिसंबर या 2 अक्टूबर जो नेशनल हॉलीडेज है मेरे, तो उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक डेट है और वो हर साल डेट चेंज भी होती है। जैसे दिवाली है, डेट फिक्स नहीं हो सकती भाई, क्रिसमस है, डेट फिक्स है 25 दिसंबर, बट दिवाली के लिए नहीं है, ईद के लिए नहीं है, वो हर ईयर चेंज होता है। तो आपको हर ईयर स्पेसिफिक कैलेंडर की डेट पर जाकर ही उसको मेंशन करना होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट 5 साल के लिए है तो आपको 5 हर स्पेसिफिक ईयर, स्पेसिफिक मंथ और स्पेसिफिक डेट को जाके सेलेक्ट करना होगा मेंशन करने के लिए। कैसे करेंगे, सपोज आपके पास 25th of December, दिस इज ऑलरेडी अ संडे, दैट विल नॉट अफेक्ट यू। लेट्स से आपको ईयर की क्लोजिंग 31st को करनी है, इस दिन आप हाफ डे वर्क करें। आपने 31st को सेलेक्ट किया, हाफ डे करना है, सपोज लंच से पहले काम करना है तो लंच के बाद वाला टाइम सेलेक्ट करिए और यहीं से नॉन वर्क कर दीजिए। तो ये जो चेंजेस हुआ ये स्पेसिफिकली फॉर दिस डेट हुआ है, और कोई डेट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए फर्क, ये आपको इसका कलर और बाकी कलर में फर्क नजर आ रहा है। ये आपको हल्का सा ऑफ वाइट नजर आ रहा है, और जो आपने हाफ डे किया आप देखो इसको ध्यान से, ये वाइट हो गया एकदम, और ये ऑलरेडी ग्रे है। तो ग्रे मींस योर वीक ऑफ या नॉन वर्किंग डे, दिस ऑफ वाइट मींस योर रेगुलर कैलेंडर टाइम, और दिस स्पेसिफिक वाइट कलर विल रिप्रेजेंट द एक्सेप्शंस, एनी हाफ डे और एनी अदर टाइमिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द योर रेगुलर डेज, दैट विल बिकम्स प्योर वाइट एक्सेप्शन डेज। अच्छा अभी हियर ऑन मूव है कि वर्किंग डे, नॉन वर्किंग डेज, हॉलीडे सब सेट किया है। अभी कल को हाफ डे किया किसी रीजन से, ऊपर से हो रहा है हाफ डे, स्टिल वी कैन गो इन द सेम कैलेंडर मेक इट हाफ डे सेम कैलेंडर फॉर फॉर द सेम डेट। हां सेम डेट एक्सेप्ट आगे। हां ठीक है, अभी फॉर प्रोजेक्ट इज ऑन मूव, अब किसी ने रेंडर में छेड़ा कुछ होगा तो हमें पता कैसे लगेगा? सॉरी, कोई किसी ने कैलेंडर में छेड़ा, एक्जिस्टिंग सेटिंग में छेड़ा, तो नेचुरली शेड्यूल में अफेक्ट होगा, तो हमें पता कैसे लगता है कि ऐसे किसी ने कुछ यूज मतलब चेंजेस करा करके? लाइक अगर कैलेंडर में चेंजेस हुआ तो आपकी एक्टिविटीज क्या ड्यूरेशन इफेक्ट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा वहां से आपको कैलेंडर का पता चल जाएगा, या बजट इफेक्ट हो जाएगा वहां से पता चल जाएगा तुरंत अगर कैलेंडर में चेंजेस हुआ है। बट अगर यूजर सेटिंग्स में कुछ चेंज हुआ है, जब तक आप के सामने उसका यूज आएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा बैकग्राउंड। भाई सपोज करें उसने ड्यूरेशन को डेज की जगह वीक कर दिया, आपके सामने एक्टिविटीज होगी उस पर डी लिखा होगा, डी की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, तो आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि हाँ यार ड्यूरेशन में चेंजेस हो। तो जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक आप को नहीं पता चलेगा यूजर से। अच्छा ऐसा तो नहीं कि डेली बेसिस आप उसको बैकअप पे लेके रखे, ऐसे जरूरत नहीं है? इसी तो पासवर्ड हम यूज करते हैं, पासवर्ड हम यूज करते हैं। हां अगर आप नहीं शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक हायरार्की ऑर्डर होता है, उस हायरार्की ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनके यूजर राइट्स होते हैं। यानी कि अगर मैथ्यू के पास एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर लॉगिन है तो जो भी इनके अंडर में काम करेगा उसके पास सेम राइट्स नहीं हो सकते जो मैथ्यू के पास होंगे। दैट मींस अगर किसी प्रोजेक्ट को मैथ्यू ने चेक आउट कर दिया, एक ऑप्शन होता है इसके अंदर चेक इन चेक आउट, अगर चेक आउट कर दिया तो उनका जूनियर उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकता है, देख सकता है, रीड कर सकता है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, कोई भी मॉडिफिकेशन उसके अंदर नहीं हो सकता। अच्छा वो थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट कर लेना हम कैसे यूजर डिफाइन, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी। Okay. So, like this, we can specify any exception days like half day and all. And suppose this one 26th of January. This is our national holiday. So, select any specific date and click on non-work. Like this, you can mention holidays. You cannot able to give the reason. This is for Eid. This is for Diwali. There is no any option to specify the reason for that note. This is only understand about the working and non-working, nothing else.
दिस इज आवर वर्किंग टाइम और वर्किंग डे, दिस इज आवर नॉन वर्किंग टाइम और नॉन वर्किंग डे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स इट विल अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव डिफाइंड द रेगुलर कैलेंडर, यू हैव डिफाइंड द वीक डे वीक ऑफ, यू हैव डिफाइंड द वर्किंग टाइमिंग्स, यू हैव डिफाइंड द एक्सेप्शन डेज, यू हैव डिफाइंड योर हॉलीडेज. नाउ एट लास्ट केम टू द टाइम पीरियड्स, क्लिक ऑन दिस टाइम पीरियड. How many hours in a day you will work? 11 hours. How many hours a week you will work? 6 days a week, 6 into 11, this becomes 66. Now here, if you will take that in a week, you can allow 4 hours as a overtime. There is a limitation for the overtime also. In a week, this much is you can take as a overtime. So that overtime also you will consider. Otherwise, it will take that time as a overdefining. That will becomes your overdefining. That time also you have to consider at the same time. Like 66 according to 11 hours per day, and suppose you will take 4 hours a week as a overtime. You allow 4 hours a week. That means 66 plus 4. Becomes 70. So you can maximum work 70 hours in a week, not more than 70, because it will take your regular and overtime also. Got my point? Okay. Now in a month how many days you are work? 26 days, because for Sunday you can take as a standard. In according to monthly calculation, we can take standard as a 30 day, standard as a 4 week. Okay. Now 26 days. 26 days into 11, this will become 286, and 4 hours a week we have taken as a overtime. 4 4 16, that means 16 hours in a month we can take as a overtime. So 286 plus 16, 302. This is your total time in a month. Now 302 into 12. This will becomes your in a year. These are your maximum values which you can take. So this will change according to the requirement. Project to project. We can change the calendar for resources if there is any type of problem in game. We can change the calendar of the resources. You can take like this, just general way. Just like I taken like 66 hours a week according to standard. Now we have taken, let's say, 4 hours in a week as a overtime. So that will become 70. So this is it. Maybe you can take 5 hours or maybe you can take 3 hours. Both you can adjust here. Okay? We can discuss all the things when we discuss about the resource over analysis, over defining analysis. At that time we will discuss. Okay, this is how we can define. Give it OK. Now your calendar is ready. You can give it OK. This is your calendar reno. Now there is an option of default also. Which calendar is default currently? Corporate standard full time. Like you just started a project and named it as reno, like renovation of residential building. So how software will understand that which calendar it has to assign to that project? So software will automatically assign the default calendar to the project which you will create. Now how you will change the calendar if you started a project, or how you will check that which calendar is assigned to our project? So for which we want to discuss for the project. Please.
जी सो अभी आपको ये चेक करना है कि प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा कैलेंडर असाइंड है। मैंने आपको एक चीज़ दिखाया कि कैलेंडर में एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट अभी कौन सा है, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम। अगर आप प्रोजेक्ट विंडो पर जाएंगे, किसका कैलेंडर देखना है, प्रोजेक्ट का, कहाँ जाना होगा, प्रोजेक्ट विंडो पर। प्रोजेक्ट विंडो नीचे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट की डिटेल विंडो, डिटेल विंडो में ऑप्शन मिलेगा आपको डिफॉल्ट्स, इस डिफॉल्ट्स में कैलेंडर, कैलेंडर देखे कौन सा असाइन हुआ है, जो भी डिफॉल्ट था, दैट मीन्स जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो कैलेंडर भी डिफॉल्ट रहा होगा वही कैलेंडर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा जब तक के आप चेंज ना करें मैनुअली। बट हमने सपोज प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट किया, कैलेंडर हमने बाद में बनाया है, अब वो कैलेंडर इस प्रोजेक्ट को असाइन करना है, तो वो भी यहीं से होगा। यहाँ ब्राउज में जाइए, आप कौन सा कैलेंडर असाइन करना है, ये वाला सेलेक्ट करिए, असाइन कर दीजिए, प्रोजेक्ट को असाइन हो गया। असाइन करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश जरूर करना है, F5 रिफ्रेश, क्लियर। अच्छा अभी नाउ प्रोजेक्ट इज नॉट इन जस्ट क्लियर, कुछ एक्टिविटी जैसे यहाँ से कट सर, कुछ एक्टिविटी मैंने बनाया उसमें पहले वाला ग्लोबल से चल रहा है, प्रॉपर वाइज से चल रहा है, नाउ आई थिंक दैट ओके दैट वाज अ बिग मिस्टेक, सो आई हैव टू असाइन विद एक्सेल और लेट अस असाइन विद द न्यू कैलेंडर, तो जितना भी एक्टिविटी ऑलरेडी उसमें असाइन किया हुआ विद द प्रीवियस दैट विल गेट अफेक्टेड विद द न्यू वन और अगेन एक्टिविटी All the activities will get affected. So activity wise, and activity wise, you have to change. Suppose you have calendar A, that is having 9 hours a day, and calendar B, it is having 11 hours a day. That means 2 hours per day. There is a difference in between the calendar. Suppose calendar A you assigned first, and you have created activity A, that is 10 days activity. According to 10 days, 9 hours a day means 90 hours for the activity. And if you assigned calendar B after calendar A, calendar B is having 11 hours. So 11 into 10 means 110, but that is having only 90 days. So what is the difference between 90 and 110? 20 hours. 20 hours means there is a difference of 2 days according to first calendar. So that will change the duration of that activity. Because this will match the total hours only. मैं समझ गया. So let us go to active each activity and change the calendar to the required one. Change the required one. Or if there is hundreds number of activities, so if you are going to change one by one, that will take too much time for you. So we will learn that thing also. How you can change simultaneously in all the activities. That will also be. Okay. Now we have started a project renovation of residential building, we have assigned the calendar. Now go back to the activities page. Now this is the activities page, but before the activities we have to discuss about WBS, that is our work breakdown structure. Like this is our project renovation of residential building, but according to this project we will divide it into some categories. Let's say take an example. We have a project as reno and we will categorize it. Let's say exterior and let's say interior. Then we want to subdivide this exterior also in two categories. First one is landscaping, second one is let's say painting. Then in interior part, first one is painting and second one is decoration. This is called WBS label 1. This is called WBS label 2. These all are called WBS. Okay,
Now this we have to define under software. So go to the software. We have to divide our project into WBS. So WBS is a part of project, not any enterprise. So that will not come under enterprise, that will come under project. If you go to the project window, in project window you will find WBS. This is having a two blue blocks, squares. You will find it here also, WBS. Now click on this WBS, this will open your WBS window. This is your project. Now you have to add the WBS. Now there is option of add plus. Either click on here, either right click on here and click on add. Either click on insert button from your keyboard. You have these three options to add the activities or to add the WBS or to add the resources, whatever. If there is any add option, you can use these three options, either with the this plus sign on the right hand toolbar, right click over there and click on add, and use the insert button from the keyboard. So let's say first I will use this one, add. This will add. Now let's say second one, we required right click and click on this one, add. Added. Third one, we want to add under this one. Now select this one and click on this keyboard button, insert. That will also insert. So these are the options we have. Five minutes only more. Now under this second part, you will check this, under this, under this. Like every child is moved under this one, main one. So we will select this one and move it to left side. Here the arrow came. Left side. Select this Reno 2, add. Again add and move it to left. Now this first one is exterior and second one is interior. For first child this is landscaping, then this one is painting, this one is again painting, and this one is decoration. Like this we created. Now if we want to understand in a better way, like in chart format, so again the same thing, layout layout, show on top, there is an option WBS table, Gantt chart, chart view. Either you will find it here, chart view. Click on this one or click on over here, go to the layout, arrange children horizontal. These all are the hierarchy you have created. Like you have divided this renovation into two part, first exterior, second interior. Then under exterior you have two different categories and under interior you have two different categories. To go back, again go to here and click on Gantt chart. Table, Gantt chart, chart view. You have all these options over here. Okay. This will create the WBS elements. Like we have categorized our project into the categories. Now go to the activity. When you came on the category, this is our project and this symbol represents the WBS. Now here you can check exterior, landscaping, painting, but landscaping and painting are on the same level. In here they will define as a different level, but you have checked the in the WBS, these are on the same level, no? So this is a bug in Primavera. You will find, if this type of error you will find any time, you have to do refresh. Okay. Now we will create F5. Now you can check. Everything is reorder accordingly.
ओके जस्ट डू द रिफ्रेश एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर इज इन अ मैनर लाइक सेम रैंक सेम लेवल सेम कलर फर्स्ट वन इज ब्लू एट द टॉप लेवल प्रोजेक्ट देन फर्स्ट डब्ल्यू बी एस लेवल वन इज ग्रीन कलर सेकेंड लेवल डब्ल्यू बी एस इज विद द येलो कलर दीज आर द हायरार्की ऑर्डर फॉर डब्ल्यू बी एस सो वी हैव लर्नड द यूजर सेटिंग्स द यूजर इंटरफेस how you can start project how you can open the project how you can close the projects how you can create any type of specific calendar how you can create wbs elements for any specific projects okay this is where we close today's session